नमस्ते दोस्तों, इंडियन विलेज ट्रैवलिंग देसी में आपका स्वागत है। आज देखेंगे चिराग दिल्ली। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले गाँव की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, इस चैनल पर आपको भारत के गाँव की वीडियो देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको भारत के गाँव की वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप दिल्ली विलेज वीडियो और हरियाणा विलेज वीडियो में दिल्ली और हरियाणा के गाँव की वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, ये देख रहे हैं आप चिराग दिल्ली। नेहरू प्लेस से IIT होते हुए एयरपोर्ट जाने के लिए आपने चिराग दिल्ली फ्लाईओवर का इस्तेमाल जरूर किया होगा। यह नाम आपके जहन में बार बार उभरा होगा। इस फ्लाईओवर को तो यह नाम इसके पास ही बसे चिराग दिल्ली से मिला, मगर शायद आपको यह पता नहीं होगा कि इसका नाम चिराग दिल्ली किसके नाम पर रखा गया और जिस संत को यह उपनाम दिया गया वह उन्हें किसने और क्यों दिया। यह उपनाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य नसरुद्दीन महमूद का। उनकी दरगाह चिराग दिल्ली गांव में है। अब सवाल उठता है कि हजरत नसरुद्दीन महमूद को रोशन चिराग दिल्ली उपनाम कैसे मिला। इसका एक किस्सा है। इसके मुताबिक हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के अहाते में एक बावली बनवाई जा रही थी। उसी वक्त सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक अपना तुगलकाबाद किला बनवा रहे थे। उन्होंने कारीगरों को कहीं और काम करने से मना कर दिया था। इस वजह से रात में कारीगर बावली बनवाते थे। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने तेल बेचने पर रोक लगा दी। इसके बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य नसरुद्दीन महमूद ने बावली का पानी घड़ों में भरा और दिया जला दिया। इस घटना के बाद उन्हें हजरत निजामुद्दीन औलिया ने रोशन चिराग ए दिल्ली उपनाम दिया। उन्हें चिश्ती संप्रदाय का आखिरी संत माना जाता है। चिराग ए दिल्ली की दरगाह के खादिम पीरजादा जमीर अहमद कहते हैं, चिराग ए दिल्ली ने अल्लाह से मिली जो विशेष शक्तियाँ थी उसे अपने जीते जी किसी को नहीं दी थी। हालांकि 1400 से ज़्यादा उनके खलीफा थे। चिराग दिल्ली की मौत सन 1356 में हो गई। उनकी दरगाह के खादिम बताते हैं, मरने से पहले ही दरगाह के लिए उन्होंने जगह चुन ली थी। पहले यह गांव एक किले जैसा था। यह चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे बनवाया था। चिराग ए दिल्ली की दरगाह पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, खासकर गुरुवार को लोगों का मेला लगा रहता है, मगर दरगाह तक लोगों का पहुंचना धीरे धीरे संकरी होता जा रही सड़कों की वजह से मुश्किल हो रहा है। जमीर अहमद का कहना है कि पहले ट्रक दरगाह तक आसानी से पहुंच जाते थे, अब बाइक चली आए यह भी बहुत है। नसरुद्दीन महमूद की दरगाह के आसपास कई और कब्रें हैं। जमीर अहमद कहते हैं, यहाँ ज़्यादातर रोशन चिराग दिल्ली के मुरीदों और खलीफाओं की कब्रें हैं। इन्हीं में बाबा फरीद की पोती की भी कब्र है। उन्होंने बताया कि फिरोज शाह तुगलक को गद्दी पर बिठाने की सलाह हजरत ने ही दी थी और वह उनकी ताजपोशी में भी गए थे। दोस्तों, ये किस्सा हमें गूगल से इंडिया टाइम्स नव भारत टाइम्स के आर्टिकल से मिला है। कैसे पहुँचे चिराग दिल्ली। अगर आप कभी चिराग दिल्ली इलाके में जाते हैं तो यहाँ के पार्क में घूमकर आ सकते हैं। यह पार्क लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर स्थित है। इसके अलावा चिराग दिल्ली के हनुमान मंदिर पर भी कई लोग घूमने जाते हैं। अगर आप चिराग दिल्ली जाना चाहते हैं तो दिल्ली मेट्रो की मदद से आप आसानी से यहाँ पहुँच पाएंगे। चिराग दिल्ली मेट्रो स्टेशन DMRC की मेजेंटा लाइन पर है। गुरुवार को चिराग दिल्ली में बनी नसरुद्दीन महमूद की दरगाह पर काफ़ी भीड़ रहती है। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं आप चिराग दिल्ली के नज़ारे। दोस्तों, चिराग दिल्ली में बहुत ही संकरियां गली हैं जो कि बहुत ही भीड़ी भीड़ी
गलियां हैं। दोस्तों देखते रहिए चिराग दिल्ली के शानदार नज़ारे।
दोस्तों ये था चिराग दिल्ली। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।